बदलते लाइफस्टाइल के कारण लोग कई तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें शरीर के जोड़ों के दर्द की एक बड़ी समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है, चाहे गर्दन के दर्द की बात हो या फिर कमर और घुटनों के दर्द की। डॉक्टर्स का कहना है कि स्लिप डिस्क के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीमारी के इलाज के लिए अब मेडिकल में एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इसलिए बिना किसी ऑपरेशन चीरफाड़ के मरीज का इलाज किया जा सकता है। आज डॉक्टर्स डे के मौके पर रेवाड़ी एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोहर लाल आपको बताएंगे कि ये बीमारी क्या होती है, कैसे इंसान के शरीर में असर करती है और इलाज कैसे होता है। लेकिन उससे पहले आप एलाहाबाद के रहने वाले बलराम नाम के इस मरीज के बारे में जान लें। ये मरीज करीबन 40 दिन पहले 350 किलोमीटर चलकर रेवाड़ी के एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे। मरीज बलराम खेती करते हैं, जिन्हें काफ़ी समय से पैर में झंझनाहट और कमर में दर्द था। इस बीमारी के इलाज के लिए वो जयपुर रोहतक सहित कई बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए गए, जहां इलाज के लिए ऑपरेशन ही मात्र एक रास्ता डॉक्टर द्वारा बताया गया। लेकिन बलराम ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद वो रेवाड़ी के एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्हें डॉक्टर मनोहर लाल और डॉक्टर ओम प्रकाश के बारे में पता चला, जहां डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन किए मरीज को ठीक कर दिया। सबसे पहले तो क्या 3-4 महीनों से ये पैर के अंदर दर्द था, तो यहाँ पीठ से लेके और एडी तक है दर्द था जी। न रात को नींद आती, न कोई भूख लगती दर्द के कारण है, और पूरा दर्द था जी यहाँ। उसके बाद में धीरे धीरे इधर उधर से दवाई टेबलेट भी खाता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैं जयपुर गया, वहाँ MRI करवा के आया, फिर उन्होंने डॉक्टर ने कहा भी ऑपरेशन आपको ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं दोबारा घर पे चला गया, थोड़ा बहुत उधर रिस्पॉन्स लिया अभी ऑपरेशन के बारे में, कि किसी ने मना किया अभी नहीं करना, ठीक नहीं है, वे नहीं है। फिर उसके बाद में कोई भाई बहन साथी मिला था, फिर उन्होंने यहाँ डॉक्टर साहब का SMS हॉस्पिटल का यहाँ का रिस्पॉन्स देकर डॉक्टर साहब के पास भेजा। फिर यहाँ मैंने ऑपरेशन करवाया और अब ये लगभग 70% सक्सेस है। ये मेरा पैर में दर्द भी नहीं है और अच्छा है, खाना भी अच्छा खा लेता हूँ और नींद भी आती है अच्छी और बढ़िया भूख लगती है जी। कहाँ दिखाया आपने, क्योंकि जहाँ आप आए जहाँ से? मैंने रोहतक में भी दिखाया जी स्टार्टिंग के अंदर है, फिर लोकल जहाँ भी किसी ने बताया अभी वो डॉक्टर ठीक है वहाँ जा लोकल लो, लगभग काफ़ी जगह मैंने दिखाया डॉक्टरों के पास, किसी ने एक्सरे कर दिया, किसी ने सीधी टेबलेट दे दी, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ था। और उसके बाद मैंने यहाँ आया था, यहाँ आने के बाद मैं डॉक्टर साहब ने जो प्रोसेस किया था और उसके बाद में उन्होंने जो नीडल वगैरह दवाई वगैरह लगाई थी वो भी अच्छी तरीके से लगाई थी। ऑपरेशन आपका ऑपरेशन हुआ, कैसे इलाज हुआ? इलाज कोई चीरफाड़ नहीं किया था, लेकिन नॉर्मली ऐसे ट्रीटमेंट किया, जैसे मतलब कुछ जैसे मन लगा के ऐसे। बलराम है, इसकी उम्र 40 साल है, ये यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर सिरसा डिस्ट्रिक्ट में एलाहाबाद कोई जगह है, कोई सोशल मीडिया वगैरह पे इन्होंने हमारी वीडियो देखी होगी पेन मैनेजमेंट को लेके, फिर ये आए थे। लगभग 2 महीने पहले की बात है ये। उससे पहले पेशेंट रोहतक SMS हॉस्पिटल जयपुर और भी लोकल जहाँ भी इनको मिला है, तो ये अपना इन्वेस्टिगेशन भी करवाई और अपना ट्रीटमेंट भी करवाया, कोई आराम नहीं था। बेसिकली प्रॉब्लम इनको क्या थी कि ये जयपुर से करवाया इनका MRI, ये आप फोकस कीजिए, इस पर हम देख सकते हैं डिस्क डेसिकेशन मल्टीपल लेवल पे तो है ही है, L4-5 लेवल पे हम देखेंगे कि बिल्कुल जो इनका सजाइटल सेक्शन है उसमें बिल्कुल डिस्क ये बिल्कुल एक्सट्रूड कर गई है, बिल्कुल प्रोलैप्स है। तो ये पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है इस पर इतना ज़्यादा कंप्रेशन है कि इसकी वजह से, ये हम एक MRI का और इसमें दिखाएंगे, ये हमारा जो कोरोनल एक्सियल सेक्शन है इसमें हम देखेंगे, ये बिल्कुल क्लियर कट, आप ज़रा कैमरा कीजिए, ये देखिए आप बिल्कुल लेफ्ट साइड में सेंट्रल प्रोट्यूजन, पैरा सेंट्रल प्रोट्यूजन हो रहा है इसमें, देखिए आप। तो इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है इतना कंप्रेशन है, साथ में एग्जिटिंग नर्व्स कम्प्लीटली कंप्रेस हो गई है इसमें, इसकी वजह से मरीज को जो लेफ्ट जो पैर है इसमें इतनी ज़्यादा दर्द और झंझनाहट, इसकी वजह से पेशेंट को नींद नहीं आना, खाना नहीं खा पाता था, चलने में गेट भी कह सकते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज नहीं थी बट फिर भी गेट डिस्टर्ब हो गया था बिकॉज ऑफ पेन।
दर्द की वजह से अपना पैर उठा के चलते थे, कई बार सहारा भी इनको लेना पड़ता था। तो हमारे पास जब आया तो हमारे पास जो भी पेन के प्रोसीजर्स हैं वो सारे विदाउट सर्जरी हम करते हैं। तो इसमें भी जो एलएस स्पाइन में जो पीआईवीडी की जिनको प्रॉब्लम होती है उसमें मल्टीपल हम अलग अलग प्रोसीजर्स करते हैं, इनके भी हमने प्रोसीजर किया फॉर डिस्क को विदाउट सर्जरी वापस कैसे उसकी साइज़ को हम कंप्रेस करें, वो ट्रीटमेंट हमने किया। आज 50 दिन हो गए ये दिखाने आए थे और पेशेंट की रेडिकुलोपैथी में 70-80% इनको रिलीफ है, पेन काफ़ी बहुत कम है पहले से, नींद अच्छी आ रही है। जो गेट था, जो डिस्टर्ब गेट जो पैर को उठा के चलते थे पेन की वजह से, वो बिल्कुल नहीं है, पेशेंट फुली सेटिस्फाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सर्जरी नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, पेशेंट को कोई फाइनेंशियल इतना बर्डन नहीं रहा। तो अल्टीमेटली पेशेंट यही है, डॉक्टर्स डे पे यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी आजकल लो बैक पेन बहुत कॉमन हो गया है पॉपुलेशन में, तो सर्जरी अगर बहुत एडवांस, अगर लंबर कैनाल स्टेनोसिस अगर हो गया, लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी भी है, फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है, तब तो कोई मुश्किल होता है इंटरवेंशन से। बट इनिशियल स्टेज है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट आने के बाद हम डिस्कस करते हैं, तो पेन इंटरवेंशन से वो ठीक हो सकते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, विदाउट सर्जरी कम खर्चे में बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अभी जितने भी मरीज लगभग आते हैं तो जी, उनको कहीं बाहर दिखाते थे, कहते हैं कि भी ऑपरेशन ही करना इलाज जी, जी जी जी, तो क्या कहेंगे, क्योंकि जागरूकता का अभाव नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल। आजकल ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हम जैसे लेजर भी करते हैं, हम एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी भी करते हैं, जैसे इन पेशेंट में एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बट वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, जिसको लेज़र बोलते हैं, लेज़र से डिस्क को निकालना। जैसे किसी को किडनी में पथरी हो जाती है तो हम लेज़र से उस पथरी को बिल्कुल छोटा छोटा कण में बना के और पानी के साथ में बाहर आ जाती है, उसमें चीर फाड़ की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, तो इसकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं थी, तो मैंने इसके जगह दूसरा किया है। बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हो, लेज़र भी आता है, एंडोस्कोपिक भी आता है, इसमें आरएफए भी हो गया, ओजोनोलिसिस भी है, ट्रांसफोरामिनल भी है, न्यूक्लियोप्लास्टी है, सर्वाइकल एपिड्यूरल है, फ्रैक्चर जॉइंट है, बहुत सारे, बहुत अलग टेक्निक्स आ गई हैं। तो ये एक जानकारी का अभाव है, अदरवाइज बिना सर्जरी के डॉक्टर्स डे भी है सर, क्या कहेंगे मरीजों, क्योंकि जो वीडियो देख रहे होंगे अधिकांश लोग ऐसे भी होंगे जो पेशेंट हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? यही है कि आप अपनी एक तो बीमारी आगे ना बढ़े, इसके लिए जो लाइफस्टाइल है वो चेंज कीजिए। जैसे अगर किसी को डिस्क की प्रॉब्लम है, स्मोकिंग कम करनी चाहिए या बंद करनी चाहिए, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं बैठना, वज़न नहीं उठाना, कोलेस्ट्रॉल कम रखना है, किसी को डायबिटीज़ है वो कम करो, बैठने का पोस्चर ठीक करो, जो ऑफिस आवर्स इनके ज़्यादा होते हैं वो अपना लंबर सपोर्ट यूज़ करो, गाड़ी चलाते टाइम पे लंबर सपोर्ट यूज़ कीजिए आप, ये सारी चीज़ों से हम उसको बढ़ने से अवॉइड कर सकते हैं। जो हो गई है प्रॉब्लम, किसी को न्यूरोपैथी है, रेडिकुलोपैथी है, पेन है, या न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन है, और कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक किया जा सकता है, बिना ऑपरेशन के भी किया जा सकता है, उसके लिए कंसल्ट करना पड़ेगा। हमारी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, ऑनलाइन हमारा व्हाट्सएप भी है, आप ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट्स सेंड कर सकते हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।